साथियों नमस्कार, मैं हूं कालू माली, आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये ग्रामीण ग्राम पंचायत चाडो की ढाणी उपखंड सिणदरी से आए हैं। इन्होंने बताया है कि अलग अलग स्थानों पर मंदिरों में करीब 4 बार चोरी हुई है। FSL टीम भी वहां पर पहुंची थी। इन्होंने पुलिस थाना सिणदरी में मामला भी दर्ज करवाया, अलग अलग 4 स्थानों पर चोरी होने का, जैसे नागनेची मंदिर में हुई है, बाकी स्थानों पर भी चोरियां हुई है। मगर 4 मामले हुए हैं चोरी की बड़ी इतनी वारदातें हुई है, मगर इन ग्रामीणों का कहना है अभी तक पुलिस ने 1 चोरी का खुलासा नहीं किया है। 4 बड़ी वारदातें हो गई है और सिणदरी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। तो इसको लेकर आज ये ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने आए हैं, तो इनसे बात भी करेंगे क्या मामला है पूरा, कितनी चोरी हुई थी। क्या नाम है सर आपका? भंवराराम जी, क्या मामला है और कितनी चोरी हुई थी अभी तक, कितना टाइम हुआ है पुलिस ने खुलासा नहीं किया है? पुलिस साहब पहली चोरी हुई थी आज से 1.5 साल पहले। हाँ 1.5 साल वाले उसमें बाड़मेर से SFL टीम आई थी, FSL टीम आई थी। हाँ। उसने काफी सुबह से शाम तक वहाँ माथा पसी करके वो उसके नमूने वगैरह वगैरह सब लिए। हाँ। उसके बाद 4 महीने बाद उसमें FIR लगा दी, कुछ नहीं हुआ। हाँ। उसके बाद दूसरी चोरी अब हुई रानी भटियानी मंदिर में। हाँ। उसमें भी कुछ नहीं किया। हाँ। अब तीसरी चोरी 15/6 को रात को वापस नागनी से मंदिर में 2 क्विंटल की वजन की तिजोरी है, उसको तोड़ के ले गए। हाँ। उसमें से पूरा वो उनका अन्न वो दान पात्र में। हाँ। सब ले गए। हाँ। उसके बाद 16 तारीख को हमने मुकदमा दर्ज करवाया। 16 तारीख बाद पुलिस ने कहा हम इनको जल्दी हम इनको फुटेज वगैरह सब दे दिए कि हम इनकी कोशिश करेंगे पकड़े। और इनको लगभग एक बार हमने पिछली बार नाम बताया था, उस आदमी को लाया ही था। हाँ। ठीक है, लाने के बाद छोड़ दिया। हाँ। कुछ नहीं किया पिछली बार। अभी तो आज बाड़मेर कैसे आए? आज बाड़मेर हम SP साहब से मिलने आए हैं। हाँ। तो इसमें एक मामला दर्ज, पुलिस विभाग किस काम का है, इसमें कोई उनके उधर मुकदमा दर्ज कराया बंद करे कराना। हाँ। कराने से फायदा क्या? सही है, मुकदमा दर्ज क्यों करावे? 3 बार मुकदमा दर्ज कराया, 3 बार ही कुछ कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। तो बाद मुकदमा दर्ज करने से क्या फायदा बताओ? तो फिर अभी ये चोरी के खुलासे नहीं हुए तो क्या करोगे आप, अगला कदम क्या उठाओगे? अगला कदम हम IG के पास जोधपुर जाएंगे। इनसे तो 7 दिन का टाइम इनसे ले लेंगे। 7 दिन में इन्होंने कुछ किया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम IG। आप एक पुजारी का बता रहे थे, क्या है के पुजारी को? वो पुजारी को तो पुलिस ने ऐसे ही उलझा के बालोतरा कोर्ट पेश कर दिया और उसके खिलाफ वो भाई वो FIR लगा के केस बंद कर दिया। हाँ। बस रफा दफा कर दिया। और क्यों, पुजारी को अंदर डाला था? नहीं अंदर नहीं, उसको कि आप तुम्हारे को आपने मुकदमा दर्ज करवाया है तो आपको बालोतरा कोर्ट चलना पड़ेगा। कोर्ट भेज के वकील करके उसको फिर वहाँ से वो पुलिस को केस ड्रॉप कर दिया। तो साथियों ये है, कह रहे हैं 3-4 चोरियां हुई है, पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है। तो ये कह रहे हैं कि अगर अभी ये चोरी के खुलासे नहीं हुए तो ये अगला कदम रोड जाम करना, फिर हाईवे जाम करना पड़ेगा। ये हाईवे जाम की धमकी दे रहे और कह रहे हैं, और ये अगला कदम ये IG के पास जाएंगे जोधपुर, उनको ज्ञापन देंगे। तो धन्यवाद साथियों, एक बार शेयर कर दो ताकि ये पोस्ट अधिकारियों तक पहुंचे और इन मंदिरों में हुई चोरी का जल्द से जल्द खुलासा करे। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।